आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो हमारे बीच ना होकर भी हमेशा हमारे साथ होंगी। एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रखने वाली जो अपने भारत देश के अलावा अलग अलग देशों में भी पूजी जाती हैं। जी हाँ, लता ताई। यूं तो ताई आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके द्वारा गाया हर गीत हम सोने से पहले हर रात सुनते हैं। आपने लता ताई के खूब गाने सुने होंगे, उनसे जुड़ी खूब कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको उनसे जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने वाले हैं जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे। लता ताई यानी एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने सुर और ताल से हर इंसान को अपनी ओर खींचा है। तो लता ताई से जुड़े कुछ अनसुने किस्से आज मैं आपको बताती हूँ। सन 1962 में जब लता मंगेशकर 32 साल की थीं, तब उन्हें एक बार स्लो पॉइजन दिया गया था। लता की एक बहुत करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी एक किताब ऐसा कहां से लाऊं के जरिए इस बात का जिक्र किया है, जिसके बाद राइटर मजरूह सुल्तानपुरी कई दिनों तक उनके घर आते और लता को खाना देने से पहले खुद उस खाने को चखते थे। हालांकि इस बात का खुलासा आज तक नहीं हो पाया है कि उन्हें किसने मारने की कोशिश की थी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि लता के पिता रंगमंच के ही एक कलाकार थे, इसलिए लता को संगीत की कला उनकी विरासत में मिली थी, जिसकी वजह से सन 1974 में दुनिया में सबसे ज्यादा गाने गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है। वैसे तो यह बात आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने साथ में सैकड़ों गाने गाए हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने रफी साहब से बातचीत करना बंद कर दिया था। लता गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। इस बात को लेकर दोनों का विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने एक साथ गाना गाने तक से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 साल बाद अभिनेत्री नरगिस की कोशिश से दोनों एक साथ एक प्रोग्राम में दिल पुकारे गीत गाया। लता पर अपने सुनहरे काल के दौरान इंडस्ट्री में मोनोपोली स्टेब्लिश करने के भी कई आरोप लगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने फेमस होने के दौरान हिंदी और मराठी भाषा की किसी और सिंगर को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस वक्त हर म्यूजिक डायरेक्टर लता के साथ ही काम करना चाहता था। आपको उनसे जुड़ी एक बात जानकर हैरानी तो होगी, लेकिन आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लता मंगेशकर का एक शादीशुदा सिंगर भूपेन हजारिका के साथ अफेयर होने की बात भी खूब चर्चाओं में रही है। हजारिका की मौत के बाद उनकी पहली बरसी पर उनकी पत्नी प्रियम द्वारा यह बयान दिया गया था कि उनके पति और लता मंगेशकर के बीच प्रेम संबंध थे। इसके साथ ही राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी उन्हें नामित किया गया था, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के चलते वे कभी भी सदन में नहीं जा पाई और उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैलरी के तौर पर एक भी रुपया नहीं लिया। भले ही लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर से आज तक कई विवाद जुड़े हों, लेकिन उनकी सुरीली आवाज की तारीफ करने से भी कोई नहीं बच सकता। अगर आपके अंदर भी लता ताई से जुड़े कोई किस्से या कोई यादें हों या फिर उनका कोई गाना, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।